हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो वीडियो को, PDF को। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। देखोगे अभी ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इसका, HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने अभी देश भर में किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे HDFC बैंक की। तो देखोगे यहाँ पर HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है, HDFC बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी अगस्त 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO जो है प्रेजेंट में उनका नाम है आदित्य पुरी। जैसे इनकी पिक्चर मैंने लगाई हुई है, यही है आदित्य पुरी। उस योजना से रिलेटेड न्यूज़ ये है दोस्तों कि कोरोना संकट के बीच किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। HDFC बैंक ने किसानों के लिए खास सुविधा लेकर आया है। HDFC बैंक ने भारत के किसानों को की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ई किसान धन ऐप लॉन्च की घोषणा की है। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। देखोगे क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों आज की वीडियो का, हाल ही में किस बैंक के द्वारा लोन इन सेकेंड सुविधा शुरू की गई है। लोन इन सेकेंड इसे शुरू किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है इसका बी, यस बैंक ने। लोन इन सेकेंड सुविधा यस बैंक ऑप्शन नंबर बी है इसका, ने शुरू किया है। तो सबसे पहले हम यस बैंक के बारे में देखते हैं। तो देखो ये दोस्तों, यस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर राणा कपूर हैं और प्रेजेंट में इसके जो CEO हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो ये जो पिक्चर लगी हुई है ये प्रशांत कुमार की है, जो प्रेजेंट में कौन है, CEO है प्रशांत कुमार। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है योजना की, देखोगे कोरोना काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स सुविधा शुरू की है। इसके जरिए बैंक के अकाउंट होल्डर्स को प्री अप्रूव्ड रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस लोन के लिए ग्राहक को बैंक आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे देखो इसमें क्या दिया, बैंक के अनुसार लोन इन सेकंड के तहत लोन एप्लीकेशन का असेसमेंट रियल टाइम में होता है। इससे डॉक्यूमेंटेशन की लंबी प्रक्रिया नहीं होती और ग्राहक को जल्दी लोन मिल जाता है। इस फीचर की मदद से ग्राहक को बैंक ब्रांच में जाए बिना और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन किए बिना तुरंत यानी इंस्टेंट लोन देगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये लोन इन सेकंड्स, बिना बैंक में जाए आपको लोन मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इसरो ने किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे उसके सबसे बड़ी चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें भेजी हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन और इसका आंसर है सी, मंगल। मंगल ग्रह ने अपने देखोगे सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस, ठीक है, दूसरा कौन सा इसका, डीमोस। तो इसने किसकी तस्वीरें भेजी हैं, फोबोस की तस्वीरें भेजी हैं इसने, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देखोगे इसरो ने भेजी हैं। सबसे पहली बात, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। फाउंडर इस फाउंडेशन हुआ था इसका 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हेड हैं इसके KC1, जिनकी मैंने फ़ोटो लगाई हुई है दोस्तों। आगे देखोगे इसमें ये एक पिक्चर है,
फोबोस की, जिसको भेजा गया है। ठीक है, आगे देखो इसमें इंफॉर्मेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें ली हैं। यह तस्वीर 1 जुलाई को ली गई जब मंगलयान मंगल से करीब 7200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4200 किलोमीटर दूर था। इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, 6MCC क्रम से ली गई यह समग्र तस्वीर है और यह स्पष्ट है। आगे क्वेश्चन है 4, हाल ही में किस राज्य ने फसल ऋण के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों आंसर है ओडिशा की सरकार ने बलराम योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं, नवीन पटनायक, और गणेशीलाल यहाँ के कौन हैं दोस्तों, गवर्नर हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो, उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए एक योजना बलराम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव AK त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के गृह मंत्रालय ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए 40 वेबसाइट को गृह मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है जो खालिस्तान से जुड़ी थी। देख लेते हैं है क्या एक्चुअल में। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस, इसकी SFJ की फुल फॉर्म है, कि 40 वेबसाइट पर सरकार ने रोक लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि यह फैसला संगठन द्वारा अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल COVID-19 महामारी के दौरान इंटरनेशनल खिताब यहाँ पर लिख लेना, जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। आंसर है दोस्तों इसका सी, पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने COVID-19 के दौरान कोई खिताब जीता है इंटरनेशनल भारत के। अब देखो ये है सुमित नागल, इनकी एक पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है। आगे देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड। देखोगे उभरते हुए भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने COVID-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ साथ वह महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन के लिए कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया था। तो इनके अपोजिशन में कौन थे, डेनियल मसूर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वार्षिक मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वार्षिक मछली के उत्पादन में पहला राज्य रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन किया है इस साल। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है पलानी स्वामी। कौन है, पलानी स्वामी। इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों 8, किस राज्य सरकार के द्वारा इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। 8वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। देखो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, और लालजी टंडन कौन है दोस्तों, यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका के नाम से एक अभियान चलाया है। देखो इस प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए
जो अभियान चलाया है, इंतज़ार आपका के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को आकर्षण तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा जूनियर एथलीट के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीट जो होते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? आंसर है इसका टॉप्स। टॉप्स स्कीम को लॉन्च किया है। तो देखोगे हमारे जो खेल मंत्री हैं इस टाइम पर, उनका नाम है किरण रिजिजू। देखो इनकी एक फ़ोटो है, ये खेल मंत्री हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। देख लेते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी सरकार जल्दी ही 2028 तक ओलंपिक चैंपियंस बनाने के उद्देश्य से देश में जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे टॉप्स बोला गया है, शुरू करेगी। ठीक है, रिजिजू ने फिट है तो इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया का भी नारा दिया है। आगे इसमें है कि वेबिनार के दौरान इस घोषणा के बारे में घोषणा किया। इस वेबिनार में मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सांप रेड कोरल कुकरी पाया गया है। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देख लेते हैं क्या है ये। ये है देखोगे, ये सांप जो पाया गया है उसकी एक प्यारी सी तस्वीर है, काफ़ी खूबसूरत सा ये सांप है। देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी सांप की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के एक लखीमपुर खीरी, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 2 दिन पहले यह सांप देखा गया। लाल सांप की एक तस्वीर को एक स्टाफ सदस्य ने क्लिक किया और ट्विटर पर वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन संगठन वाइल्ड लेन द्वारा साझा किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें दिया है, सांप को पहली बार 1936 में दुधवा में देखा गया था। इसका जूलॉजिकल नाम ओलिगोडोन खेरियेंसिस है। चमकीले रंग के सांप का आकार दुर्लभ है। 82 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार देखा गया। वरिष्ठ भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे के अनुसार लाल कोरल कुकरी सांप कुछ सालों में 4 बार देखा गया, पहले इतनी बार नहीं देखा गया था। आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राधा स्वामी सत्संग परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन को मैंने कल बताया था, आज इसका आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में। चलो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी वीडियो। चलो आपसे लेता हूँ अलविदा, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।